आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। राज्य सरकार के राजस्व में कमी नहीं आएगी, पिछले साल की तुलना में 2000 करोड़ कमाई होगी। दाम घटने पर राज्य सरकार ने राजस्व में कमी की चिंता जताई थी। 7500 करोड़ रुपए कमाई हो चुकी है। मध्य प्रदेश सहित 22 राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार ने चिंता जताई थी कि राजस्व में कमी हो सकती है। लेकिन राज्य सरकार के राजस्व में कमी नहीं आएगी, पिछले साल की तुलना में 2000 करोड़ कमाई होगी। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विवेक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, मध्य प्रदेश की जनता को और साथ ही देश भर के ऐसे कई 22 राज्य हुए जहां की जनता को दिवाली के दिन एक बड़ी राहत मिली, बड़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई, एक बड़ी कमी देखी गई है। वही राज्य सरकार ये अंदेशा जता रही थी कि राजस्व में कमी आ सकती है, लेकिन 2000 करोड़ रुपए ज्यादा ही कमाई होनी है। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, राज्य सरकार ने इस बात का अंदेशा जताया था कि जो पिछले साल की तुलना में इस साल जो है वो राजस्व में काफी कमी आएगी। सरकार ने इस बात का हवाला दिया था कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है, जो वैट घटाए गए हैं, उसके जरिए जो सरकार के जो खजाने में राजस्व आना था वो कम होगा। लेकिन जो वित्तीय मामले की जानकार बताते हैं कि पिछले साल 11700 करोड़ सरकार ने कमाए थे, इस साल जो लक्ष्य तय किया गया है वो 850 करोड़ जो है 8500 करोड़ रुपए जो तय किया गया है। अभी 7557 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में आ चुके हैं। ये जो आंकड़ा है ये 31 अक्टूबर तक का है, लिहाजा जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है मार्च तक, तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल हर महीने जो 1000 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में आ रहे हैं, इससे जो 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 इसमें आय की जो अनुमानित राशि है वो पूरी हो जाएगी और ये सरप्लस में जाएगा आंकड़ा। इसमें 2000 करोड़ जो है वो सरकार के आंकड़े में अतिरिक्त आ जाएगा। जो सरकार ने इस बात की आशंका जताई थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो वैट कम किए गए हैं इससे सरकार के राजस्व में कमी आएगी, तो ये जो बात है वो गलत साबित हुई है। बल्कि सरकार को 2000 करोड़ का अतिरिक्त फायदा भी होगा। जिस तरीके से सरकार ने जो अनुमानित जो लक्ष्य रखा था टारगेट का राजस्व का, उसकी आपूर्ति जो है वो अक्टूबर माह में ही हो गई है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च, ये पांच महीने हैं सरकार के पास। इसमें बंपर कमाई की जो है राजस्व मिलने की आशंका है, और जो सरकार की जो बात थी कि इसमें राजस्व में कमी आएगी वो गलत साबित हुई है। तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी यही बताते हैं कि राज्य सरकार को जो सबसे ज्यादा वैट टैक्स और जो राजस्व मिलता है वो पेट्रोल डीजल और जीएसटी से मिलता है। जीएसटी का जो स्लैब है उसमें जो जीएसटी का स्लैब है उसमें जो 5% से लेकर जो 23% तक जो टैक्स लगता है, सबसे ज्यादा 17% भी सरकार को टैक्स मिलता है। जहां तक बात करें अभी हाल ही में जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए, सबसे ज्यादा जो केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम की गई, उसके बाद राज्य सरकार ने भी जो है एक्साइज ड्यूटी में कमी, जो अतिरिक्त वैट लगता है उसमें कमी की गई। अब जो है मध्य प्रदेश में 118-19 रुपए पेट्रोल की बजाय 107 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, और 110 रुपए के पार जो डीजल मिल रहा था वो 90 रुपए में आके पहुंच गया है। तो जनता को इससे बड़ी राहत हुई है, और सरकार जो इस बात को लेकर आशंका जता रही थी कि करीब 1000 करोड़ रुपए का जो है वो सरकार पर नुकसान का भार जो है आएगा, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो इस बात की जानकारी देते हैं कि जो सरकार जिस बात के लिए कह रही थी उससे दुगना सरकार के खजाने में इस राजस्व आएगा। लिहाजा जो सरकार का जो टारगेट है करीब 8500 करोड़ रुपए का टारगेट सरकार ने इस बार रखा है कि इससे पेट्रोल और डीजल से आय होगी, लेकिन अभी तक जो है वो करीब 80% जो है वो रिकवरी हो चुकी है इन 3-5 महीनों में, जिसमें से नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और खुद मार्च, इन 5 महीनों में सरकार के पास लगभग 5000 करोड़ से अधिक रुपए का अनुमान, आय का अनुमान है। इससे फाइनेंस के एक्सपर्ट ये जाहिर करते हैं कि सरकार को मुनाफा होगा और राजस्व की जहां तक कमी आने की बात है वो नहीं आएगी।
जी बिल्कुल विवेक जी, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो पेट्रोल डीजल के दाम घटने से जहां जनता को तो एक और राहत मिली है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा था, भले ही कुछ पैसे का इजाफा हो रहा था, लेकिन एक बड़ी कीमत पे पेट्रोल देखा जा रहा था, 117 रुपए से ऊपर भी पेट्रोल की कीमतें हो गई थी, जनता को काफी परेशानी थी। लेकिन दिवाली पर यह तोहफा मिला और जनता को तो राहत ही मिली है, हालांकि सरकार को भी इससे नुकसान नहीं होगा, सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी ही दर्ज की जाएगी।